भोपाल में नर्सिंग घोटाले को लेकर जारी सियासी विवाद अब धार्मिक रंग में रंग चुका है। कांग्रेस नेता मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए अशोका गार्डन थाने पहुंचे थे, जहां थाने में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। इस घटना ने कांग्रेस को टीटी नगर थाने में सुंदरकांड करने की अनुमति मांगने के लिए प्रेरित किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेताओं का विरोध और सुंदरकांड का पाठ इस अनुमति से नाराज कांग्रेस नेता टीटी नगर थाने पहुंचे और सड़क पर बैठकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 18 जुलाई को जिला कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करने की परमिशन ली थी, लेकिन उन्हें थाने जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने बताया, हमने लोकतांत्रिक तरीके से थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। एडिशनल DCP रश्मि अग्रवाल दुबे ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने थाना परिसर में सुंदरकांड करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन थाना परिसर में कोई निजी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। बढ़िया ही बताया कि हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को मानते हैं, नियम कानून चलते हैं, लेकिन जो उस दिन भोपाल कमिश्नर पुलिस का कहना है कि वो गलत हुआ है, उनको एक्शन होगी, वो एक्शन लिया जाना चाहिए। आज कांग्रेस के कुछ नेता थाना टीटी नगर में सुंदरकांड का पाठ करने आए थे। उन्होंने थाने प्रांगण में अनुमति मांगी थी। थाना प्रांगण में किसी बर्थडे पार्टी के लिए या बर्थडे के आयोजन की बाहरी व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये उन्हें बताया गया था। तो थाने के बाहर बैठ के उन्होंने पूजा की और उन्होंने उसको बर्थडे मनाया और यहाँ से रवाना हो गया। सर, ये कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो थोड़ी देर बैठे थे और वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी ऐसे बिंदु नहीं है जिन पे FIR के तत्व मौजूद हो, यहाँ पे अभी वो केवल बैठे थे और यहाँ से रवाना हो गए।